नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चार सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित रैयतों ने अनिश्चितकालीन के लिए सोमवार से ही आम्रपाली पुल परियोजना का कामकाज ठप कर दिया है और इसका असर तीसरे दिन भी देखने को मिला है। देखिए, आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े विस्थापित प्रभावित ग्राम समिति ने नौकरी मुआवजा व मूलभूत सुविधाओं व चार सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए परियोजना का कामकाज ठप कर दिया और इसका असर लगातार तीसरे दिन भी देखने को मिला। परियोजना से विस्थापित गांव कुमरांग कला, कुमरांग खुर्दू, होनहे, बिगलांद और उर्सू के सैकड़ों ग्रामीणों ने सीसीएल के 6 नंबर कांटा के समक्ष धरने पर बैठकर मांग कर रहे हैं। सीसीएल प्रबंधन से भू रैतों की मांग पूरा ना करने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों रैतों परियोजना की मांग से कोयले की लैंडिंग मजदूरों से कराने, गैर मजरुआ जमीन को अतिशीघ्र सत्यापन कराकर नौकरी व मुआवजा देने, बुनियादी सुविधाएं बहाल करने आदि मांगे शामिल हैं। विस्थापितों ने कहा कि परियोजना खुले 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्र आज तक वंचित है। जनरेटर के सहारे कोयले के एक उत्खनन कार्य हो रहा है जो कि हम लोगों के क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भू रैतों ने सीसीएल पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि क्षेत्र में बहुत मनमानी की गई है, अब उनकी मनमानी को नहीं चलने दिया जाएगा। सीसीएल इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों से जमीन देने वाले रैतों के साथ दोहरी नीति अपनाकर शोषण कर रही है। आज तक अधिकांश रैतों को नौकरी व मुआवजा नहीं दिया गया। रैयत अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर परेशान हैं। उन्होंने बताया कि हम लोगों द्वारा आंदोलन करने पर हम लोगों पर FIR कर अपना काम निकाल लेती है। हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस होने के बावजूद भी हम सब बेरोजगार, लाचार और बेबस है। सीसीएल स्थानीय लोगों की बजाय बाहरी लोगों को नौकरी देती है और हम स्थानीय लोग बाहर जाकर दर दर की ठोकरें खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN News। जिस भूमि पे 4H लगा के रखा है वो 4H अविलंब हटाया जाए। चौथी मांगे हैं, विस्थापित गांव में जितने भी जमीन हो, रायती हो, गर मजरुआ हो, जिस जमीन पे सेक्शन 911 लगा है उसमें उसको नौकरी और मुआवजा अविलंब दिया जाए। ये 4 मांगे हैं और समस्याएं तो अनंत है। मूलभूत सुविधा के बारे में भी बोल रहे हैं तो मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, यहाँ हमारे गांव में कभी आप राउंड मारेंगे तो देखने के लिए मिलेगा, नगण्य है, 0 है, कुछ भी नहीं सीसीएल के द्वारा किया गया। सर, आप लोगों के यहाँ से कोयला उठाव कर रही है सीसीएल, कभी सीसीएल आप लोगों से आज तक के डेट में कभी बात नहीं की जमीन के मुद्दे पर या यहाँ के क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर? बात करने की तो बात दूर रही। यहाँ जो सिंदरी धनबाद में 25 मई 2018 को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र दिए थे यहाँ के विस्थापित लोगों को, उस पर भी नौकरी नहीं दिया गया है, लोग चक्कर काट रहे हैं। और सीसीएल के उच्च पदाधिकारी उस फाइल पे 4H और JJ लगा दिए हैं। JJ मतलब हुआ जंगल झाड़ी और 4H का तो उन्हीं को पता है, या तो राज्य सरकार और नहीं तो सीसीएल प्रबंधक। तो कल जो आप लोग स्ट्राइक किए हुए हैं यहाँ पर, कंप्लीट गाड़ियाँ आप लोग बंद रखे हुए हैं? हाँ, अभी तो ऑलमोस्ट बंद है, फिर भी माइंस जो खनन चल रहा है हम लोग बंद करा के आते हैं और फिर आधे एक घंटे बाद वो चालू कर देती है। जैसा कि इनका कहना है कि सीसीएल इतना मनमाना तरीके से काम कर रही है कि इन लोगों द्वारा यहाँ पर बंद कराया गया है, लेकिन सीसीएल अपने दम पर, प्रशासन के दम पर, अपने गुंडागर्दी पर यहाँ के माइंस को चालू रख रही है, लेकिन इन लोगों के बात को सुनने के लिए आज के डेट में सीसीएल तैयार नहीं है। 7 साल सीसीएल खुले हो गई, लेकिन आज तक नौकरी के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। जमीन भी गया, सेक्शन 911 लग गया है, लेकिन आज तक नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है यहाँ पे। तो हम तो चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि जिस तरह से 7 साल बीता, एकदम सीसीएल का जो गुंडागर्दी है यहाँ पे, कोयला लेगने के लिए तरस रहा है लोग, कोयला लेगने वालों को भी प्रतिबंध कर देता है। यहाँ बगल में कोलियरी है तो कोयला तो आखिर जलाएगा ही, लकड़ी सब ख़त्म कर दिया तो कोयला कहाँ से, ईंधन का सुविधा होना चाहिए ना। तो यहाँ जो है ना सीसीएल, CSR का जो फंड है, आज तक ना रोड, ना सड़क, ना बिजली, यहाँ DG के माध्यम से 7 साल गुजार दी है यहाँ के सीसीएल। तो सोच सकते हैं कि इतना बड़ी माइंस, एशिया का सबसे बड़ा माइंस है अमरपाली, लेकिन यहाँ पे DG के द्वारा
पूरा माइंस चलाया जा रहा है जो कि करोड़ों का मुनाफा हो चुका है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ लीली पोप दे के ठका जा रहा है यहाँ के लोगों को। और सीसीएल को सिर्फ जैसे मान के चलिए जो गैर मजरूआ ज़मीन पर यहाँ के लोग ज़्यादा मतलब निर्भर हैं, रहती प्लॉट तो बहुत कम है, लेकिन गैर मजरूआ ज़मीन में फौरी संदेहात्मक लगा कर छोड़ दिया गया है। ना तो यहाँ पे सीसीएल अधिकारी एक्शन ले रहे हैं और ना ही कंपनी। और अभी ये तो संज्ञान में ले रही है, तभी यहाँ पे हम भी आए हैं और सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए सीसीएल भी उनको हम जल्द से जल्द बैठ के बहुत सारे है, बनपत्ता से रिलेटेड है, वामदा से रिलेटेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से जो वो बैठ के अपना अधिकार की मांग करे, तो ये भी सरकार के लिए सराहनीय है, क्योंकि पहले सरकार ने कहाँ ये सब कर पाता था, हमेशा लाठी चार्ज गोली के दम पे और डरा के धमका के लोगों के ऊपर गलत तरीके से उनको दबाया जाता था, बट अभी तो बोलने का मौका दिया है, तो ये 4-5 साल में जो बीजेपी ने किया है, तो उसको जो अपने अंदर दबाए हुए थे 5 साल से, वो अभी निकल रहे हैं लोगों के अंदर से, तो अब धीरे धीरे सरकार भी प्रयास कर रही है कि उसको रिजॉल्व करे। जी मैम, एक सारा बात सुन के वो बोले कि हम बैठ के इसको जल्दी रिजॉल्व करेंगे। मैम, हम भी चाहते हैं कि वो रिजॉल्व करें, ताकि हमारे लोग यहाँ पे अपना घर छोड़ के राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।